चैनल जगत क्लासेस काकराबाद। गाइज आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्लेमिंगो प्रो से चैप्टर 3 डी वाटर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट हम आपको दे चुके हैं और आप आई बटन में जाकर के देख सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोल दीजिए और हमारा वीडियो अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिएगा जिससे उनको भी मदद मिल सके बोर्ड एग्जाम। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस। डगलस का फियर क्या था, मतलब डर। हाउ डिड इट कम इन द लाइफ ऑफ डगलस, और ये डगलस की लाइफ में कैसे आया, मतलब डगलस जो था किस चीज से डरता था और वह उसके जीवन में किस तरह आया, कैसे आया। आंसर देखेंगे, डगलस वॉज अफ्रेड ऑफ वाटर। डगलस जो है पानी से डरता था, एंड एनी वाटर साइट, या फिर कह सकते हैं कि पानी से या फिर पानी वाली कोई भी चीज़ थी साइट दृश्य, जैसे नदी, झील, तालाब, कुछ भी, मतलब ऐसी चीज़ों से वो डरता था। क्यों डरता था ये हम देखेंगे क्वेश्चन के आंसर के अंदर। इट केम इन द लाइफ ऑफ डगलस, या डगलस की लाइफ में आया व्हेन जब ही वॉज ओनली 3 or 4 ईयर्स ओल्ड, जब वह सिर्फ 3 से 4 साल का था तब उसके लाइफ में ये डर आया था वाटर साइट का लेकर के। His father took him to the beach of in California. उसके जो फादर हैं उसको कैलिफोर्निया के बीच पर ले जाते हैं। They were standing at the beach, और वह बीच पर खड़े होते हैं दोनों। Then a wave came, तब एक लहर आती है। Wave means लहर। तभी एक लहर आती है and knocked him down, और उसको गिरा देती है। भाई लहर में इतनी ताकत होती है कि वो आई और उससे जो है डगलस गिर जाता है, एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और वो जो लहर है उसके ऊपर से हो करके चली जाती है। ही वॉज अनेबल टू ब्रीथ, मतलब उसे सांस नहीं आ रही थी, वो सांस लेने में असमर्थ था। एट दैट टाइम, उस टाइम मतलब जिस वक्त उसके ऊपर से वो लहर गुजरी हुई थी, जितने भी समय के लिए वो लहर के अंदर था तो वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। एंड नेक्स्ट टाइम, एक तो ये होगी, एक घटना ये हो गई, दूसरी कौन सी थी, एंड नेक्स्ट टाइम, अगली बार, व्हेन ही वाज सिटिंग अलोन, जब वह अकेला बैठा था एट YMCA पूल। अगली घटना तब घटी जब वह YMCA पूल पर अकेला बैठा हुआ वेटिंग फॉर अदर्स, जब दूसरों का वेट कर रहा था। अ फैटी बॉय, एक फैटी बॉय आता है, यानी कि एक तगड़ा तंदुरुस्त लड़का आता है, पिक्ड हिम, एक तगड़े तंदुरुस्त लड़के ने उसे उठा लिया, एंड थ्रू हिम, और उसे फेंक दिया इनटू अ डीप वाटर, गहरे पानी में उठा करके फेंक देता है। जो तालाब था YMCA वो दो तरह से था, एक साइड वो 2 से 3 feet ही डीप था, वन सैलो साइड में, और एक साइड वो 9 feet डीप था, तो 9 feet डीप की ओर उसको फेंक देता है उठा करके। ही मेड मैनी एफर्ट्स, उसने काफी प्रयास किए टू केम आउट, बाहर आने के, ऑफ द वाटर, पानी से बाहर आने के उसने काफी प्रयास किए, बट ही कुड नॉट, लेकिन वह बाहर न आ सका, बट ही कुड नॉट, वह बाहर न आ सका। ही वॉज नियर अबाउट टू डाई, लगभग वह मरने ही वाला था, दस मतलब उसको फील हुआ कि अब वह समझो मर ही गया हो। दस इस प्रकार हिज फियर इंक्रीज, इस प्रकार उसका जो भय है पानी के प्रति वो और बढ़ जाता है। पहली घटना उसके साथ हुई थी जब वो 3 से 4 साल का था, और दूसरी घटना उसकी हुई, हालांकि तो वो नियरली अबाउट 8-9 ईयर्स, YMCA पूल पर, तो एक कैलिफोर्निया के बीच पर और दूसरी YMCA पूल पर हुई थी। ये दो घटनाएं उसके साथ हुई थी जिसकी वजह से उसके अंदर भय बैठ गया था पानी को लेकर के। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंसिडेंट डिड डगलस फेस एट द पूल। डगलस ने तालाब पर कौन सी दुर्घटना का सामना किया, वॉट वॉज इट्स इफेक्ट ऑन हिज लाइफ, और उसका उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। डगलस ने तालाब पर किस दुर्घटना, या कौन सी दुर्घटना हुई, या डगलस किस दुर्घटना का शिकार हुआ था तालाब पर, और उससे जो है उसके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा था, देखते हैं आंसर। वंस, एक बार डगलस वेंट टू द YMCA पूल, एक बार जो डगलस है वो YMCA पूल पर गया। एट दैट टाइम, उस समय नो वन एल्स वॉज देयर, उस वक्त वहां पर कोई नहीं था। ही वॉज अफ्रेड ऑफ गोइंग अलोन इन द पूल, और वह जो है अकेले तालाब में जाने से डर रहा था।
सो इसलिए ही सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल, और इसलिए वह पूल के किनारे पर बैठ जाता है। टू वेट फॉर अदर्स, और दूसरों का वेट करने लगता है। अकेले जाने से पानी में डर रहा था, इसलिए वो जो है दूसरे बच्चों का वेट करने लगता है। ही हैड नॉट बीन देयर फॉर लॉन्ग, उसको अभी ज्यादा समय वहां नहीं हुआ था बैठे हुए, उसे अभी वहां पर अधिक समय नहीं हुआ था कि व्हेन अ फैटी बॉय, जब एक लड़का प्रोबेबली 18 इयर्स ओल्ड, लगभग संभवतः 18 साल का था, केम आया। ही पिक्ड हिम अप, उसने उसे उठा लिया एंड थ्रू हिम इनटू द डीप एंड, और उसने उसे गहराई में फेंक दिया ऑफ द पूल। ये बातें हम ऊपर भी बोल चुके हैं, तो अगर आप कोई एक दोनों में से एक आंसर आपको याद है तो आप उसको जो है मिला करके अपना आंसर लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। उसे तालाब के गहराई में फेंक देता है। ही सैलोड वाटर, वह पानी पी जाता है, यानी कि वह पानी पी गया। सैलोड मतलब है पानी का निगलना, वह पानी निगल गया। एंड वेंट एट वंस एट द बॉटम, और तेजी से जो है बॉटम पर जा गिरा, मतलब उसको स्पीड में फेंका गया था, तो वो पानी में जब स्पीड में फेंकेंगे तो वो तेजी से जो है नीचे बॉटम की ओर चला गया। ही फेल्ट, उसने महसूस किया दैट कि ही वॉज अबाउट टू डाई, कि वह समझो अब मर ही गया हो, उसने फील किया कि वो अब लगभग मर ही गया है। इट्स इफेक्ट ऑन हिज लाइफ, इट्स इफेक्ट, इसका प्रभाव जो है ऑन हिज लाइफ, उसके जीवन पर, वॉज दैट था कि हिज फेयर ऑफ वाटर इंक्रीज्ड अ लॉट, इस घटना ने उसका जो है डर और बढ़ा दिया। एक घटना उसके साथ हुई थी कैलिफोर्निया के बीच पर, जब उसे एक लहर ने अंदर डुबो दिया था, और एक घटना ये YMCA पूल पर हुई थी। इसने जो है उसके डर को और बढ़ा दिया। द फियर हॉन्टेड इन हिज माइंड फॉर लॉन्ग, और जो हॉन्ट फियर जो है गहराई से जो है उसके दिमाग में लंबे समय के लिए बैठ जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पूल, कहा जा रहा है कि डगलस के उस स्ट्रगल को डिस्क्राइब करिए, बताइए जो डगलस ने किया था तालाब पर, एट द पूल, कौन सा स्ट्रगल, अपने लाइफ को बचाने के लिए उसने क्या किया था, उस स्ट्रगल को बताना है। और व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही मेक टू सेव हिज लाइफ, तो उसने जो है अपने आप को यानी कि अपनी लाइफ को बचाने के लिए उसने किस प्रकार का प्लान बनाया था, किस प्रकार उसने सोचा कि हम अपना जीवन बचा सकते हैं। तो आइए आंसर देखते हैं। When the big bruiser, यहाँ पे big है, इसको सही कर लीजिए आप, big. When the big bruiser of a boy, जब एक मोटा तगड़ा तंदुरुस्त लड़का जो है थ्रू डगलस, जब डगलस को एक तगड़े तंदुरुस्त लड़के ने थ्रू फेंका इनटू द डीप एंड, गहराई में ऑफ द पूल, पूल की गहराई में, कहने का मतलब है जब डगलस को एक तगड़े तंदुरुस्त लड़के ने तालाब की गहराई में उसे फेंका, ही लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, वो सिटिंग पोजीशन में लैंडेड अर्थात नीचे पानी में बैठ गया। सैलोड वाटर, पानी निकल गया। एंड वेंट एट वंस द बॉटम, और तेजी से वो बॉटम पर जा गिरा, चला गया ये कह सकते हैं, या जा गिरा। ऑन द वे, रास्ते में, डाउन मतलब नीचे जाते समय, कहा गया है कि नीचे जाते समय जब वो पानी में फेंका उसने, तो जब नीचे जा रहा था तो रास्ते में नीचे जाते समय ही मेड अ स्ट्रेटेजी, उसके दिमाग में प्लान आता है, उसने प्लान मेकअप किया दैट कि ही वुड मेक अ बिग जंप, कि वह एक बिग जंप मारेगा। अभी वो पानी में ही था और डूब रहा था, तो उसके अंदर ये विचार चल रहे थे कि जैसे ही हम पानी में नीचे जाएंगे तो क्या करेंगे, एक बिग जंप मारेंगे व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में मैंने बताया है कि व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, कि जब उसके पैर बॉटम को हिट करेंगे तो वह एक लंबी सी जंप मारेगा, ये वो सोच रहा है जब वो नीचे पानी में बैठ रहा था। कम टू द सर्फेस, और पानी की सतह पर आ जाएगा, लाई फ्लैट, और सीधा लेट जाएगा ऑन इट, पानी के ऊपर। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पैडल मतलब हाथ पैर मारते हुए वो तालाब के किनारे आ जाएगा। बट लेकिन बिफोर ही टच्ड द बॉटम, लेकिन बॉटम को टच करने से पहले हिज लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, मतलब जब वो तल पर नीचे पहुंचे उससे पहले ही जो उसके फेफड़े थे वो फटने को तैयार थे, मतलब उसकी सांस फूलने लगी थी, मानो कि अब उसके जो फेफड़े हैं वो फट जाएंगे।
When his feet touched at the bottom, जब उसके पैर बॉटम को यानी कि तल को छूते हैं, कि जब उसके पैर रोने या जब उसने बॉटम को छुआ, he made a jump, उसने एक जंप लगाई, with all his might, अपनी पूरी ताकत से जो है उसने एक जंप लगाई, and he came up slowly, और वह slowly slowly ऊपर आया, he tried to bring his legs up, और उसने अपने पैरों को tried to bring चलाने की कोशिश की उसने, यानी कि ऊपर पैर मारते, जैसे तैरते हैं तो हम लोग हाथ पैर मारते हैं ना, तो वो पैरों के माध्यम से उसने कोशिश की, हाथ पैर मारे कि वो ऊपर आ जाए, बट दे लेकिन दे हंग्स, लेकिन वो जो है बिल्कुल लटक से गए, एज अ डेड वेट, एक मरे हुए वेट की तरह से, मानो कि उसके पैरों में जान ही नहीं था, वो कोशिश करना चाह रहा था कि हम पैर चलाए और ऊपर जाए, लेकिन उसके पैरों में दम नहीं बची थी, मतलब बिल्कुल लाइक अ डेड वेट की तरह हो गया था, कि मरे हुए के समान पैरालाइज्ड हो गया था, रिजिड हो गया था, बिल्कुल से ठंडे पड़ गए थे, है ना, कोई भी उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा था, वो चाह रहा था कि मैं हाथ पैर मारूं और ऊपर आ जाऊं, लेकिन ऐसा हो ना सका। ही वॉज स्क्रीमिंग फॉर हेल्प, वो मदद के लिए चिल्लाया, बट नोबडी हर्ड हिम, लेकिन कोई भी किसी ने भी नहीं सुना, वह मदद के लिए चिल्ला रहा था लेकिन किसी ने भी उसकी आवाज नहीं सुनी। सो गाइस, ये थे 3 क्वेश्चन आंसर, अभी और है वो हम पार्ट 2 में देंगे, इससे वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 3rd आंसर है, और ये आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और ये रहा आपका 2nd, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी फेयर कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। सो गाइस, अगर ये आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। सो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू सो मच।